हमारे चैनल से प्रकाश क्लास है दोस्तों। सरकारी योजना के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों सरकारी योजना पढ़ने से पहले हम समझेंगे सरकारी योजना सरकार द्वारा क्यों शुरू किया जाता है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश में बहुत अमीर भी हैं, उससे ज़्यादा हमारे समाज में बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इन सभी गरीब और अमीर को एक साथ लेके चलने के लिए सरकारी योजनाएं शुरू की जाती हैं, जिससे गरीबों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके, उनके लिए जीविका का स्रोत प्रदान किया जा सके, जिससे उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो सके। इसलिए बहुत सरकारी योजनाएं हर एक तरह से उनको मदद करने के लिए शुरू की जाती हैं। इसलिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं हर वर्ष या एक दो वर्ष में या 6 महीने में योजनाएँ आती रहती हैं। दोस्तों चलो देखते हैं उसके बाद सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना किस ईयर में शुरू की गई थी। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं एमपीलैड योजना। दोस्तों मैं इसको बोल दे रहा हूँ इंग्लिश में भी, उसके बाद हिंदी में लिख दे रहा हूँ। इसका मीन्स होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसका मैं हिंदी में लिख रहा हूँ संसद सदस्य लोकल एरिया विकास योजना। दोस्तों आप लोग मेरे साथ थोड़ा इंग्लिश की भी आदत डाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार सीधे उठ के चला आता है, इंग्लिश में ऐसे लिखा रहता है, उसके बाद आप लोग नहीं जान पाते हैं। इसलिए मैं तो इंग्लिश में लिखा भी हूँ, उसके बाद हिंदी में लिख दिया हूँ। थोड़ा आप लोग इंग्लिश में भी फोकस कीजिएगा। मैं इसका फिर से एक बार फुल फॉर्म बोल दे रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, संसद सदस्य लोकल एरिया विकास योजना। दोस्तों चलो देखते हैं इस योजना का क्या क्या प्रावधान था। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यह योजना ग्रामीण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ग्रामीण मंत्रालय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा 1993 में शुरू किया गया था। अब दोस्तों इसका देख लेते हैं, इसके अंतर्गत संसद सदस्य द्वारा एक गांव का, दोस्तों जिस एरिया से कोई संसद सदस्य चुना जाता था उस गांव में विकास करता था संसद सदस्य द्वारा। दोस्तों इसके अंतर्गत स्वच्छता पे ध्यान दिया जाता था, स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्कूल, आदि आदि का विकास किया जाता था इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत दोस्तों योजना के अधिकतम 5 करोड़ राशि खर्च की जा सकती है। अधिकतम राशि दोस्तों 5 करोड़ है इस टाइम खर्च की जा सकती है। दोस्तों एक बार चलो मैं इसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, संसद सदस्य लोकल एरिया विकास योजना। इसके अंतर्गत दोस्तों
जिस तरह से सामाजिक और संरचनात्मक विकास किए गए इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया दोस्तों, स्कूल वही शिक्षा हो गई दोस्तों, उसके बाद स्वच्छता का आज्ञा और संरचना विकास किया जाता है। इसके लिए दोस्तों राशि का अधिकतम 5 करोड़ है इसमें खर्च किया जाता है। ये ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत 1993 में शुरू किया गया था। दोस्तों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखते हैं दूसरी। दोस्तों चलो देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। दोस्तों मैं पीएम लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे समझ जाइएगा, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मैं तो पूरा लिख रहा हूँ इसका। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों इसे शॉर्ट में कहा जाता है, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये 2000 ईस्वी में शुरू किया गया थी योजना। उस टाइम दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। दोस्तों इसका देख लेते हैं, मैदानी क्षेत्र में 500 आबादी, जहां पे होती दोस्तों वहां पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण होता था, पक्की सड़क का निर्माण। दोस्तों 500 ग्राम मैदानी क्षेत्रों में 500 जनसंख्या रहने पर इसका दोस्तों ग्राम सड़क योजना का निर्माण होता। तो उसके बाद देखते हैं अब, उसके बाद दोस्तों पहाड़ी मरुस्थली मरुस्थली जनजातीय क्षेत्र, दोस्तों 250 जनसंख्या होती थी वहां पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया जाता था दोस्तों। दोस्तों आप लोग इसे, उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इसका एक और है, इसका दोस्तों मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। सिंगल रोड कनेक्टिविटी प्रदान करता था ऑल विदर दोस्तों मैं इसका हिंदी में लिख दे रहा हूं, एक मार्गी सभी मौसम दोस्तों, सभी मौसम मैं इसको दोस्तों लिख दिया हूँ। सिंगल रोड ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करता था, एक मार्गी सभी मौसम जुड़ाव दोस्तों प्रदान करता था। थोड़ा सा अजीब लग रहा है दोस्तों, लेकिन इसका हिंदी अर्थ यही होता है। दोस्तों इसका प्रावधान यही था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। चलो अब दूसरी योजना देखते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं अब दूसरी योजना कौन सी है, नमामि गंगे योजना।
गंगे योजना दोस्तों 10 जुलाई 2014 को शुरू किया गया था। दोस्तों चलो देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था दोस्तों गंगा नदी के दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र को शुद्ध करना था। पारिस्थितिकी तंत्र को शुद्ध करना था दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब दोस्तों जैसे इसका कैचमेंट एरिया है जितना, जहाँ पे गंगा जितनी दूर में फ्लो करती है वहाँ पे कोई पॉल्यूशन या प्रदूषण है उसे साफ रखा जाए। उसके बाद गंगा के पास घाट हैं दोस्तों, जो उसके बाद जो यहाँ पे घाटों का विकास दोस्तों किया जाए। उसके बाद दोस्तों गंगा नदी के पास में जो गांव है वहां पर शौचालय का निर्माण किया जाए। शौचालय का निर्माण किया जाए दोस्तों। उसके बाद गंगा नदी के किनारे कुछ औद्योगिक शहर जैसे कानपुर स्थित है, वहां से कंपनी के द्वारा जो दोस्तों पॉल्यूशन या कचरा इसमें जाता है उसका प्रबंधन किया जाए। कचरा का दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए। वैज्ञानिक प्रबंधन एवं उपचारित किया जाए दोस्तों। चलो एक बार जल्दी देख लेते हैं यह योजना 2014 को 10 जुलाई 2014 को शुरू किया गया था। उद्देश्य है दोस्तों गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र को शुद्ध करना था, घाटों का विकास करना था, शौचालय का निर्माण करना था दोस्तों जो गंगा के पास में है, उसके बाद कचरा का वैज्ञानिक प्रबंधन एवं उपचारित करना था जो दोस्तों जो इंडस्ट्रियल एरिया या औद्योगिक क्षेत्र से इसमें जल गंगा नदी में जाता है। दोस्तों अब देखते हैं प्रधानमंत्री दोस्तों मैं इसे पीएम लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। अब दोस्तों देख लेते हैं मंत्रालय कौन सा है। वित्त मंत्रालय है दोस्तों। दोस्तों आपको याद करने में भी आसानी होगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बात हो रहा है रुपए पैसे का। रुपए पैसे मतलब होता है दोस्तों वित्त मंत्रालय संबंधित होता है, इसलिए थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित है। अब दोस्तों देख लेते हैं इस योजना के अंतर्गत क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या दोस्तों उद्देश्य था। इसके द्वारा दोस्तों वित्तीय समावेशन करना था। दोस्तों वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है सभी के पास खाता होना चाहिए, वो वहां से पैसा निकाल सके या जमा कर सके। उसके बाद दोस्तों इसका उद्देश्य और था आसानी से गरीब लोग का खाता खुल सके सरकारी बैंक या किसी भी बैंक में दोस्तों आसानी से।
आसानी से दोस्तों खाता खुल सके। कम से कम डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों, इसका यही उद्देश्य था। वित्तीय समावेशन मतलब होता है दोस्तों हमारे समाज के प्रत्येक तबके के लोगों के पास बैंक खाता होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों जिससे वो पैसा निकाल सके, जमा कर सके, जिससे दोस्तों उनको गांव के जो महाजन होते हैं या साहूकार होते हैं उनसे, उनके ऋणों से इनको जो गरीब होते हैं हमारे समाज के, उनसे छुटकारा मिल सके। उसके बाद दोस्तों आसानी से खाता खुल सके कम से कम डॉक्यूमेंट के साथ। डॉक्यूमेंट का दोस्तों मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कागज पत्र होता है दोस्तों इसका हिंदी। कागज पत्र दोस्तों जैसे उनके पास क्या क्या है, जैसे आधार कार्ड है वही मुख्य था जिससे उनका खाता खुल जाता था प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत में। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों इसका देख लेते हैं नारा क्या है या इसका आदर्श वाक्य क्या है। मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता दोस्तों इसका विधाता दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों। चलो अब देख लेते हैं दूसरा योजना। चलो दोस्तों दूसरी योजना देखते हैं, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया दोस्तों इसके अर्थ से पता लग रहा है कोई चीज बनाना है भारत में। मेक इन इंडिया दोस्तों 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दोस्तों, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दोस्तों 2014 को, 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। दोस्तों इसका चिन्ह है शेर या दोस्तों लायन। दोस्तों इस वर्ड पे थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये इसका मेक इन इंडिया का चिन्ह पूछा गया था, शेर है या बाघ है, लेकिन दोस्तों हम तो जानते हैं इसका इसका चिन्ह है शेर या लायन। आपको यही शेर या लायन लगाना है, टाइगर नहीं लगाना है दोस्तों। चलो इसका देख लेते हैं क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है दोस्तों भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग हब में होता है दोस्तों भारत को दोस्तों विनिर्माण का केंद्र बनाना है दोस्तों। इसके द्वारा दोस्तों विदेशी या बहुराष्ट्रीय कंपनी को भारत में आकर्षित करना है, भारत में वो अपना प्लांट लगाएं जिससे भारत में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल सके। उसके बाद भारत एक विश्व में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सके, इसलिए यह योजना शुरू किया गया था। उसके बाद यह योजना दोस्तों 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था दोस्तों। इसका मंत्रालय है व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय दोस्तों। इसे भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन सा मंत्रालय है, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग दोस्तों। इसका उद्देश्य था मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना भारत को, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना भारत को दोस्तों।
दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों आप देख लेते हैं दूसरी योजना, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण दोस्तों यह योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था दोस्तों। मंत्रालय है ग्रामीण मंत्रालय। दोस्तों इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य था दोस्तों समाज के कमजोर वर्गों को कौशल विकास के जरिए कौशल विकास के द्वारा दोस्तों रोजगार प्रदान करना। रोजगार प्रदान करना दोस्तों इसे एक शब्द में कहा जाता है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा का अर्थ होता है जैसे किसी आदमी का किसी परिवार में एक्सीडेंट हो जाता है, उसको किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल या वित्तीय दिक्कत ना आए, उसके बाद उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, या उसके बाद वृद्धावस्था में उसको पेंशन मिले, ये सब सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसलिए ग्रामीण दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू किया गया था। चलो दोस्तों देखते हैं अब स्वच्छ भारत अभियान। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर। दोस्तों देख लेते हैं जल्दी से इसके घटक। घटक दोस्तों इसके दो हैं स्वच्छ भारत अभियान के। एक है स्वच्छ भारत अभियान, मैं दोस्तों ऐसे लिख दे रहा हूं, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण एक दोस्तों है स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, एक है स्वच्छ भारत अभियान शहरी। स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों दूसरा है शहरी। दोस्तों इसके अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग मंत्रालय द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण का मंत्रालय दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय है। जल शक्ति मंत्रालय उसके बाद दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान शहरी का शहरी मामलों का मंत्रालय है दोस्तों।
शहरी मामलों का मंत्रालय। दोस्तों इसका उद्देश्य था दोस्तों स्वच्छता के द्वारा दोस्तों जिस तरह से बहुत सारी हमको बीमारियां हो जाती है उसको कम करना था। उसके बाद तरल और ठोस का दोस्तों तरल एवं ठोस कचरे का प्रबंधन करना था। इसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसका इंग्लिश होता है तरल एवं ठोस कचरे का प्रबंधन। दोस्तों इसके साथ ही सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान 2019 तक कंप्लीट कर लिए। इसके द्वारा भारत को ODF फ्री घोषित कर दिया गया था गांधी जी की 150वीं जयंती पर। ODF फ्री दोस्तों इसका अर्थ होता है ओपन डिफेक्शन फ्री। इसका अर्थ होता है दोस्तों इसका मतलब होता है भारत को ODF फ्री घोषित कर दिए दोस्तों। अब भारत में खुले में शौच कोई नहीं करता है दोस्तों। इसके अंतर्गत लगभग 10 करोड़ दोस्तों 10 करोड़ दोस्तों जिसे कहा जाता है लैट्रिन या दोस्तों लैट्रिन का निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा ₹12,000 दोस्तों दिया जाता है। दोस्तों इसका इतना है। उसके बाद सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान 2.0 भी शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान 2.0 का अवधि है दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना 2020 से 2021 से 2024-25। दोस्तों इसके अंतर्गत जैसे जो हमारे लैटरिन बना है दोस्तों उसका हमको यूज करना है। उसके बाद ठोस और तरल कचरे का दोस्तों प्रबंधन करना है। उसके बाद इसके द्वारा इससे धूसर जल हो गया मलवाहित जल हो गया दोस्तों इसका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना है नहीं तो हमको इससे बहुत सारी बीमारी हो जाती है दोस्तों। इन सब का यही प्रावधान था। जितना मुख्य मुख्य इसका बिंदु था मैंने आपको बता दिए दोस्तों। दोस्तों चलो इसका नारा देख लेते हैं क्या है। इसका नारा है दोस्तों एक कदम स्वच्छता की ओर। एक कदम स्वच्छता की ओर। आप लोग दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अब देख लेते हैं पहल योजना। पहल योजना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। दोस्तों इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के खाते में दोस्तों सब्सिडी के पैसे को प्रत्यक्ष रूप से भेजा जाता है। उपभोक्ताओं के खाते में दोस्तों
सीधे हस्तांतरण किया जाता है दोस्तों, या ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों उसके बाद ये योजना पेट्रोलियम मंत्रालय की योजना है दोस्तों। दोस्तों एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं। पहली योजना 1 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी को सीधे हस्तांतरण किया जाता है। पेट्रोलियम मंत्रालय दोस्तों योजना है। उसके बाद दोस्तों हम दूसरी योजना देखते हैं, एक महत्वपूर्ण योजना है, बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। दोस्तों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत के दोस्तों हरियाणा के पानीपत में, मैं दोस्तों शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, HR मतलब होता है हरियाणा, आप समझ जाना। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा के पानीपत के शुरू किया गया था दोस्तों। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दोस्तों 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा के पानीपत में शुरू किया गया था दोस्तों। यह योजना का उद्देश्य है सेक्स रेशियो में दोस्तों सुधार करना। दोस्तों मंत्रालय देख लेते हैं कौन सा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है दोस्तों। योजना योजना चला रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है, मंत्रालय भी वही है। उसके बाद दोस्तों इसका मैं लिख दे रहा हूँ उद्देश्य क्या है, लिंग समानता दोस्तों लाना। इसका उद्देश्य दोस्तों लिंग समानता लाना। दोस्तों हरियाणा में इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि भारत में 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम लिंग समानता हरियाणा में ही था, इसलिए वहां से यह योजना शुरू की गई है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, आप जिसके बाद जो जितनी योजना है हम उसे पूरा कवर करेंगे, जितनी सरकारी योजना है आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आप सभी साथियों का धन्यवाद। ठीक है।